Brought to you by Tecno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत और चीन के बीच तनाव फिर से चरम पर है। इस बार गलवान या तवांग नहीं बल्कि चीन ने मार खाने की जगह चुनी है अरुणाचल प्रदेश। जी हां, दरअसल पीएम मोदी के अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के बाद से ही चीन की सेना की नींद उड़ गई है और इसी बौखलाहट में चीन ने अपनी सेना को लद्दाख में पहले उतार दिया था, वो भी भयंकर तोप गोलों के साथ। लेकिन अब तो हद ही हो गई क्योंकि चीन ने फिर से अरुणाचल पर बड़ा बयान दे डाला और अब ये बात तय हो गई कि गलवान तवांग के बाद अरुणाचल में भी भारतीय सेना करेगी चीनी सेना का माकूल इलाज। चलिए इस बार क्या ज्ञान दे रहा चीन वो जरा ध्यान से सुनिए। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने कहा कि जांगनान प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है। अरुणाचल कब अस्तित्व में आया? अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के क्षेत्रीय दावों को बार बार खारिज किया है और कहा है कि ये राज्य देश का अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। बातचीत एवं परामर्श के जरिए सीमा मुद्दे से ठीक से निपटने के लिए भारत और चीन के पास परिपक्व तंत्र, संवाद माध्यम, क्षमता और इच्छा है। अपने लाभ के लिए दो देशों के बीच विवाद भड़काने का अमेरिका का इतिहास रहा है। सीमा मुद्दों पर चीन और भारत के बीच परिपक्व तंत्र और संवाद चैनल है। दोनों पक्षों के पास बातचीत और परामर्श के जरिए सीमा मुद्दे को ठीक से संभालने की क्षमता और इच्छा भी है। अब ये बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन चीन के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने चीन के इस दावे का खूब मजाक उड़ाया। कई लोगों ने तो एक्स पोस्ट पर लिखा कि प्राचीन काल के तर्क से भारत की सीमा अफगानिस्तान से लेकर पूरे दक्षिण एशिया तक फैल जाएगी। अब अगर दावा हुआ तो चीन इस दुनिया से मिट भी जाएगा। चलिए अब भारत का बयान भी जरा ध्यान से सुनिए। तो भारत ने चीन को चटकाते हुए क्या कहा ये सुन लीजिए। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के मामले में हमारी स्थिति बार बार बहुत स्पष्ट की गई है। हमने हाल ही में बयान जारी कर कहा था कि चीन चाहे जितनी बार अपने निराधार दावों को दोहरा सकता है, लेकिन इससे हमारी स्थिति नहीं बदलने वाली है। अरुणाचल भारत का अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। ये रहा भारत का बयान, जिसमें भारत ने साफ किया कि निराधार दावा चीन चाहे जितना कर ले, अरुणाचल भारत का था, है और हमेशा रहेगा। और इसके साथ ही अमेरिका ने भी चीन के माथे पर लगी इस चोट को दूर करते हुए कह दिया था कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और हम वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सैन्य या असैन्य घुसपैठ या अतिक्रमण के माध्यम से क्षेत्रीय दावे करने के किसी भी एक पक्षी प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं। खैर, अब अंत में अगर बात अरुणाचल प्रदेश की करें तो अरुणाचल भारत का हिस्सा शुरू से था और आगे भी रहेगा। बस चीन को इससे आपत्ति है क्योंकि चीन को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर भारत विकास के कार्य करेगा तो भारत को उससे ज्यादा फायदा होगा और हो भी यही रहा। अब चीन के इस निराधार बयान पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।